हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। मेरा नाम है आकाश। शुरू करते हैं हम आज का डेली करंट अफेयर। आज की तारीख 6 जुलाई 2023। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सेशन शुरू करने से पहले हम कुछ करते हैं रिवीजन जो हमने 5 तारीख को किया था। ओके, छठवा जीएसटी डे कब मनाया है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को और 2 दिन इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को जीएसटी डे है, 1 जुलाई को डॉक्टर डे है, 1 जुलाई को सीए डे है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यूपी में है। SBI ने कामेश्वर राव कोदावंती को अपना CFO अपॉइंट किया है। तमिलनाडु पहला राज्य बना है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के मामले में। नागमुचिंदा बुद्धिस्ट स्तूपा ये कहां पे है? तेलंगाना में है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने श्रीराम फाइनेंस के साथ टाइप किया है, किस लिए? अपना लोन बिजनेस बढ़ाने के लिए। मेरी कॉम को ऑनर किया गया है एज अ ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर। किसने ऑनर किया? यूके इंडिया अवार्ड की तरफ से। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल रीअपॉइंट किए हैं। ओके, पहला सवाल देखो। नेशनल डॉक्टर डे ये 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है? ये सवाल पहले हो चुका है, अलग तरीके से सवाल में ले रहा हूं। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाते हैं, तो ये किसके याद में मनाते हैं? सही जवाब है इनका विधान चंद्र रॉय जी की याद में मनाते हैं। 4 के 4 ऑप्शन है डे मनाते हैं इनका, और ये किसी डे के याद में ही मनाते हैं। देखो, इसका सही जवाब है विधान चंद्र रॉय। ये क्यों मनाते हैं 1 जुलाई को? 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को ये गुजर गए थे, सेम डे। ओके, सीएम रहते हुए भी इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। ये देखो, विधान चंद्र रॉय 1 जुलाई डॉक्टर डे। एम विश्वेश्वरिया 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं, इनके ही नाम से मनाते हैं। सीवी रमन की बात करूं, 28 सितंबर को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। ओके, टीसी महालनोबिस की बात करूं तो 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैन जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, इनका जन्मदिन 15 अक्टूबर को होता है और ये दिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं। सरोजनी नायडू जी की बात करूं तो 13 फरवरी नेशनल वुमन डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमन डे। महात्मा गांधी जी की बात करूं तो 30 जनवरी को शहीद दिन मनाते हैं। अगला सवाल देखो, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का क्या रैंक है? इंडियन फुटबॉल टीम का रैंक है 100। 107 रैंक क्या है? हंगर के मामले में भारत की रैंक है। 126 क्या है? हैप्पीनेस। 135 क्या है? जेंडर गैप। ओके, 161 क्या है? प्रेस फ्रीडम। कुछ रैंकिंग डिस्कस करते हैं। देखो, 100वें क्या है? भारत की फीफा रैंकिंग है, टॉप है अर्जेंटीना। 107 क्या है? हंगर इंडेक्स में भारत की 107 है, टॉप किया है बेलारूस ने। 126 क्या है? हैप्पीनेस में भारत की रैंक 126, फिनलैंड ने टॉप किया है। 135 क्या है? जेंडर गैप एंड पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 135 और टॉप किया है आइसलैंड ने। 161 प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 161, टॉप किया है नॉर्वे ने। 40 क्या है? इनोवेशन के मामले में भारत की रैंक 40 और टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। देखो, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, देखो आईसीसी T20 रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है? भारत को मिला है। आईसीसी वनडे की बात करूं तो भारत का रैंक है 3रा, तो पहला होगा ऑस्ट्रेलिया, बट ऑब्वियस। और सरप्राइजिंगली सेकंड पे है पाकिस्तान। आईसीसी वनडे रैंकिंग में सेकंड स्पॉट पे है पाकिस्तान। ये आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है, समझे? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? फर्स्ट। अभी रिसेंटली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें भारत हार गया था। ये सवाल देखो, नए डिप्टी मिनिस्टर कौन बने हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने शिवसेना लेड बीजेपी गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है अजित पवार, ये एनसीपी से बिलोंग करते हैं। एनसीपी ये पार्टी बनी थी 1999 को, जिसके चीफ है शरद पवार।
ओके, रिसेंट की बात है, टी एस सिंहदेव ये छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने थे। ओके, देवेंद्र फडणवीस की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। मतलब अभी महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर है जो एकनाथ शिंदे है, और दो डिप्टी सीएम है, एक अजित पवार और दूसरे देवेंद्र फडणवीस। जितेंद्र आवाड़ जी की बात करूं तो महाराष्ट्र के अपोजिशन पार्टी के लीडर है। जो विधानसभा में अपोजिशन पार्टी होती है उसके लीडर कौन है? जितेंद्र आवाड़। राहुल नार्वेकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है। क्या? महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है राहुल नार्वेकर। यहां पे देखो कुछ चीफ मिनिस्टर है जो मैं आपको अभी रिवाइज करने वाला हूं। कांग्रेस लेड शासित 4 राज्य है और बीजेपी लेड शासित कितने राज्य है? 15 राज्य है। इसमें से कुछ इंपोर्टेंट चीफ मिनिस्टर आपको रिवाइज करने वाला हूं। देखो कर्नाटक के सीएम कौन है? एस सिद्धरमैया। छत्तीसगढ़ के कौन है? भूपेश बघेल। राजस्थान के अशोक गहलोत। हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये कांग्रेस खत्म हुआ, उसके बाद बीजेपी लेड पे चलते है। महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे। यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ। एमपी के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गुजरात के कौन है? भूपेंद्र पटेल। उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अरुणाचल प्रदेश के कौन है? अरुणाचल प्रदेश के प्रेमा खांडू है। आसाम के कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है। गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत। हरियाणा के कौन है? मनोलाल खट्टर। मेघालय के कौन है? कोनार संगमा। मणिपुर के कौन है? बीरेन सिंह। त्रिपुरा के कौन है? मानिक साहा। नागालैंड के निफ्यूरियो। और सिक्किम के प्रेंग सिंह तमांग। ओके, ये देखो यहां पे आई छूट गया है। भारत का पहला इंडिजिनस डेवलप 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ये कहां पे बना है? इसका सही जवाब है गुजरात। ओके, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कितने हैं भारत में? 7। ये कौन ऑपरेट करता है? एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार की एक बॉडी है। ठीक है, कर्नाटका कैगा, गुजरात काकरापार, उत्तर प्रदेश नरोरा, तमिलनाडु में कुंदनकुलम और काकरापार है। असम की बात करो तो रावतभाटा है, और महाराष्ट्र की बात करो तो तारापुर है, और नया बनने वाला है कौन सा? जैतापुर अपकमिंग। ओके, अगला सवाल देखो। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा ये सेलिब्रेट किया है कब? धर्म चक्र डे के दिन। तो कौन सा दिन है वो? सही जवाब इसका 3 जुलाई। 1 जुलाई की बात करूं तो डॉक्टर डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, जीएसटी डे। 11 जुलाई की बात करूं तो पॉपुलेशन डे, इंडिया नंबर 1। ओके, 29 जून की बात करूं तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ओके, ये सवाल डे का है, लेकिन मैं ये सवाल लेके जा रहा हूं गौतम बुद्धा के ऊपर, गौतम बुद्धा के जीवनी के ऊपर। इनका रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ। फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, इनके मदर का नाम क्या था? माया। पर इनको जन्म देते इनकी मदर गुजर गई, तो इनको किसने पाला? इनके स्टेप मदर थी, इनका नाम है गौतमी। उनके टीचर कौन थे गौतम बुद्ध के? आलार कलाम। इनका हॉर्स घोड़े का नाम क्या था? कंटका। सारथी कौन थे? चन्ना। इनकी वाइफ कौन थी? यशोधा। इनका सन कौन था? राहुल। ये कौन से कुल से आते हैं? कौन से डायनेस्टी से आते हैं? शाक्य डायनेस्टी से आते हैं। अगला सवाल देखो, सैफ चैंपियनशिप ये भारत और कौन से देश के बीच में खेली गई है, जो फाइनल हुआ था श्री कांतारावा स्टेडियम में? इसका सही जवाब है कुवैत। सैफ चैंपियनशिप जीता भारत। ठीक है, इंडिया वॉन। पेनल्टी शूट हुआ था 5-4 से इंडिया जीत गया इसमें। देखो कुछ डिस्कशन स्पोर्ट्स के बारे में करते हैं। कुवैत की बात करूं तो इंडिया ने कुवैत को हराया किसमें? सैफ कप 2023 5-4 से पेनल्टी शूटआउट में हराया। ईरान की बात करूं तो इंडिया ने ईरान को हराया
किसमें? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो 2023 में हुई थी। जर्मनी की बात करूं तो FIH वर्ल्ड कप जो 2023 मार्च के महीने में हुआ था जिसमें जीता जर्मनी। साउथ कोरिया की बात करूं तो ये साउथ कोरिया ने एशिया कप जीता हॉकी का, ठीक है, बीट जापान। हॉकी की बात करूं तो हॉकी के वर्ल्ड कप में भारत का रैंक था 9वां। एशिया कप की बात करूं हॉकी का तो इंडिया का रैंक था 4th, ब्रॉन्ज मिला था इंडिया को। पाकिस्तान की बात करूं तो भारत ने पाकिस्तान को हराया था किसमें? जूनियर एशिया कप 2023। ओके, कुछ फैक्ट्स है। कबड्डी ये बांग्लादेश का नेशनल गेम्स है, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। पोलो इन्वेंटेड इन मणिपुर। ओके, लूडो भी भारत में खोज की है। स्नेक एंड लैडर भारत ने खोज की है। चेस की बात करूं तो इन्वेंटेड इंडिया, और खोखो ये भी भारत में इन्वेंट किया गया है, स्पोर्ट्स है। अगला सवाल देखो, 7वां सवाल, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीती है मैक्स वर्स्टापन, ठीक है, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। क्या बोले? ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। में येलो में लिखा है ना, वो चैंपियनशिप है, और जो फेंट येलो में लिखा है वो कुछ फैक्ट्स है। देखो, सेबेस्टियन वेटल ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है। मैक्स वर्स्टापन की बात करूं तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, बहरीन ओपन जीता है, मियामी ओपन, मोनाको ओपन, स्पेनिश ओपन, 5 खिताब जीते हैं अब तक ये साल में। लुइस हैमिल्टन की बात करूं तो ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश पर्सन है ये, इनको नाइटहुड ऑफ यूके ये अवार्ड मिला है। फर्नांडो अल्फांसो ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, वही स्पेन वहां से राफेल नडाल भी आते हैं जो टेनिस खेलते हैं। सर्जियो पेरेज इन्होंने सऊदी अरेबिया ओपन जीता है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये भी जीता है। अलग फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स देखो, फॉर्मूला वन टोटल 22 फॉर्मूला वन होती है रेस पूरे साल में। ओके, टेनिस की बात करूं तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। मोस्ट ग्रैंड स्लैम किसके पास है? नोवाक जोकोविच। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं। 4 टूर्नामेंट, क्रिकेट, हॉकी, ओलंपिक और फुटबॉल, ये 4 टूर्नामेंट होते हैं हर 4 साल में। जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम ये कौन से राज्य ने लॉन्च की है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ओके, ये सवाल है स्कीम के ऊपर, ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे स्कीम का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो, पीएम डिवाइन स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम प्रणाम स्कीम फर्टिलाइजर के लिए, पीएम अग्निपथ स्कीम, पीएम गति शक्ति और पीएम पोषण स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च की है। टेक्सटाइल मिनिस्टर ने कौन सी लॉन्च की है? पीएम मित्रा स्कीम, किस लिए? टेक्सटाइल के लिए है। समर्थ स्कीम टेक्सटाइल के लिए। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसके कौन है मिनिस्टर? नारायण राणे है। लीन स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने नमस्ते स्कीम, श्रेष्ठा स्कीम, सीड स्कीम और स्माइल प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। होम मिनिस्टर कौन है भारत के? अमित शाह। विलेज डिफेंस गार्ड और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया है? होम मिनिस्ट्री ने। मिनिस्टर वेलफेयर ने मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया है। और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इन्होंने डीप ओशन मिशन ये लॉन्च किया है। अभी इसके मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्टर है। स्टेट की स्कीम देखो, स्टेट में हरियाणा की बात करें तो चिरा स्कीम, खेल नर्सरी स्कीम और सीएम उद्यमिता योजना हरियाणा से है। तमिलनाडु की बात करूं तो श्वास स्कीम, ब्रेकफास्ट स्कीम, श्वास स्कीम, ब्रेकफास्ट स्कीम। गुजरात की बात करूं तो गो ग्रीन स्कीम, सुजलाम सुफलाम जल कैंपेन स्कीम। हिमाचल की बात करूं तो हिमकेयर स्कीम और नारी को नमन स्कीम। उत्तराखंड की बात करूं तो घसियारी कल्याण योजना और हिम प्रहारी योजना उत्तराखंड से है। तेलंगाना की बात करूं तो आसरा पेंशन योजना। महाराष्ट्र की बात करूं तो जिवाला योजना। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो प्रलय शिक्षणालय योजना। दिल्ली की बात करूं तो मेक इंडिया नंबर 1 योजना। यूपी की बात करूं तो पंचामृत योजना। एमपी की बात करूं तो लाडली लक्ष्मी लाडली बहिनी योजना। आंध्र की बात करूं तो फैमिली डॉक्टर योजना। राजस्थान को देखूं तो उड़ान स्कीम, बैक टू वर्क स्कीम। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कौशल्य मातृत्व योजना, मितान स्कीम।
न्याय रथ योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कल्याण योजना, आसाम की बात करो तो अरुणोदय योजना, पंजाब की बात करो तो लोक मिलन योजना, लद्दाख की बात करो तो कुंसोम्स स्कीम। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।